राजू रस्तों की रणछोड़दास चाचा। तुम नंबर बोलो। D26। चलो मैं मनमोहन MM। ये सब इंजीनियर्स मिलीमीटर बुलाते हैं। दूध अंडा ब्रेड कपड़े धोना इस्त्री करना जर्नल्स भरना असाइनमेंट कॉपी करना कोई भी काम है बोलो। फिक्स रेट है नो बार्गेन। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये किलो बाइट है ये मेगा बाइट और ये इनकी माँ गीगा बाइट। अच्छा ले लो फोटो ले लो। ये फैमिली बाइट नहीं करती। राजू रस्तोगी अब प्रभु दया दिन पर कीजे अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे अपनी भक्ति। अब राहो मत थोड़े दिन रहेगा ना तो अपने आप भगवान से विश्वास उठ जाएगा। फिर बाजू में नंगी लड़की की तस्वीरें लगाएगा और कहेगा ओ गॉड एक बार दिला दे। चल निकल यहां से निकल। 4 रुपए दो रुपए पर बैग। ये 5 रुपए चेंज रख ले। क्या साहब तुमने अपने को टिप दिया तो अपन भी तुमको एक टिप देगा। आज रात को अंडरवेयर बिना होल वाले पहनना। क्यों उसी ग्रेट हो तोहफा कबूल करो। ये तो हीमन है हीमन। अरे चिकना चिकना चिकना। इज्जत जमीन पे बिखरी हुई थी। हाथ सलामी ठोक रहे थे सर गुलामी में झुके हुए थे जब हमने पहली बार रैंचो को देखा। नमस्ते सर पैंट उतारे और चप्पल लगा लो। नाम क्या तेरा बोल? रणछोड़दास शामलदास चाचा। सुना भाइयों रट्टा मार लो फाइनल ईयर तक याद हो जाएगा। चलो पैंट उतार पैंट उतार। अच्छा तो तू ऐसा नहीं सुनेगा। गीली पैंट नहीं पहनती बच्चों। चल उतार। ऑल इज वेल ऑल इज वेल। क्या बोला? ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल। ये क्या बोल रहे? हिंदी बोलने में शर्म आती है। सॉरी सर आई वॉज बोर्न इन उगांडा स्टडीड इन पॉन्डिचेरी सो लिटिल स्लो इन हिंदी। तो स्लोली समझाना इसे जल्दी किसको है। फिर से पहन ले अपने वस्त्र उतारिए नहीं तो ये आप पर मूत्र विसर्जन करेगा। इसको मूत्र विसर्जन बोला? पंडित आए इंजीनियरिंग पढ़ते। चलाना, अडाना, ए बारा सरे, ए बारा। बारा नहीं तो मैं तेरे दरवाजे पे मूत्र विसर्जन करूंगा। दस तक गिनूंगा बाहर नहीं आया तो मैं तो पूरा सेमेस्टर में तेरे दरवाजे में मूत्र विसर्जन करूंगा। एक दो तीन।
Salt water is a great conductor of electricity. It's standard physics. हमने पढ़ा था, साले ने अप्लाई किया। ICE के डायरेक्टर का नाम डॉक्टर वीरू सहस्त्र बुद्धे था, पर सब उन्हें वायरस, कंप्यूटर वायरस बुलाते थे। अरे वायरस आ रहा है, अंडे लेके, फर्स्ट ईयर को नीचे बुलाया है, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। वायरस वाज़ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव मैन वी हैड एवर सीन। कोई उनसे एक कदम भी आगे निकल जाए, उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। टाइम बचाने के लिए शर्ट पे बटन नहीं, वेलक्रो लगाते थे और टाई में हुक। माइंड को ऐसा ट्रेन किया था कि दोनों हाथों से एक साथ लिख सकते थे। रोज 2 बजे एग्जैक्टली 7:30 मिनट का पावर नैप लेते थे और ओपरा सुनते थे। गोविंद को इंस्ट्रक्शंस थे कि सारे अनप्रोडक्टिव काम जैसे शेविंग करना, नाखून काटना, इन्हीं 7:30 मिनट में किए जाएं। ये क्या है? सर नेस्ट। किसका? सर कोयल बर्ड का नेस्ट। कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती, वो अपने अंडे दूसरों के घोंसले में रखती, और जब उसके बच्चे इस दुनिया में आते हैं तो सबसे पहले क्या करते? वो बच्चे दूसरे अंडों को धक्का मार के घोंसले से गिरा देते हैं। कॉम्पिटिशन ओवर, द लाइफ बिगिंस विद मर्डर। लेट्स रीच कंपीट और डाई। You also are like the coil birds. और ये वो अंडे जिनको धक्का मार के तुम लोग ICE में पहुंचे। Don't forget कि हर साल ICE में 4 लाख एप्लीकेशन आते हैं और उनमें से सिर्फ 200 सेलेक्ट होते हैं। You और ये finished broken eggs। मेरे खुद के बेटे ने 3 साल अप्लाई किया था, rejected every time. Remember, life is a race. अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा. Let me tell you a very interesting story. ये astronaut's pen है. Space में fountain pen, ball pen कुछ नहीं चलता. तो लाखों डॉलर खर्च करने के बाद साइंटिस्ट ने ऐसा पेन इजाद किया जिसे कोई भी एंगल, कोई भी टेम्परेचर, जीरो ग्रेविटी में हम लिख सकते हैं. One day, when I was a student, the director of our institute called me. He said, Veeru Sasubuddhe. I said, yes, sir. Come here. He showed me this pen. He said, this is a symbol of excellence. I give it to you. And jis din tumhe tumhare jaisa koi extraordinary student mile, to ye pen use pass on kar dena. 32 saal se Veeru Sasubuddhe is waiting for the next Veeru Sasubuddhe. क्या इस बैच में कोई है जो ये पेन ले जाएगा? गुड, हैंड्स डाउन। नोटिस बोर्ड पे लिखो, आई सेड पुट डाउन योर हैंड्स। सर मेरा एक सवाल है सर। सर स्पेस में फाउंटेन पेन, बॉल पेन चलता नहीं है, तो एस्ट्रोनॉट्स ने पेंसिल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? लाखों डॉलर बच जाते सर। I will get back to you on this. साला रात को सीनियर्स के लुल्लू पे झटका देता है, दिन में डायरेक्टर को उंगली करता है। बोल रहा हूँ इसके साथ रहेंगे ना तो ये मरवाएगा। यार तू तो वायरस का फुल केलपीटी कर दिया। जाओ पना, तुसी ग्रेट हो। तोहफा कबूल करो। अबे आ गया से। स्कूल नहीं है तेरा। फीस कौन भरेगा? तेरा बाप। ले बाप पे जा। ए, 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 क्या कर रहा है यार? सर स्कूल के लिए फीस थोड़ी लगती है, यूनिफॉर्म लगता है। यूनिफॉर्म रुक, तुझे जो भी स्कूल पसंद है ना उसका यूनिफॉर्म खरीद ले और चुपचाप जाके क्लास में बैठ जा। इतनी आबादी है किसको क्या पता चलने वाले। और पकड़े गए तो? पकड़े गए तो यूनिफॉर्म चेंज, स्कूल चेंज। देखा, कुछ बात थी उसमें। साला दुनिया के तौर तरीके कदम कदम पे चैलेंज करता था
वायरस के घोंसले में एक आजाद पंछी घुस आया था।